हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसिड एंड बेसिस। हम देखो, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हमें उसे करेक्टराइज़ करना है, वेदर एसिड या बेस एसिड, इसके हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे बात करूँ स्टार्टिंग में, अगर हमें एसिड बताना हो, हम क्या कहते हैं, सबसे सिंपल कि एसिड के टेस्ट के बेसिस पे सोर टेस्ट होगा, बेसिस जो है बिटर टेस्ट होगा, या फिर ब्लू लिटमस टेस्ट करते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू को रेड में टर्न कर देते हैं और बेसिस रेड को ब्लू में कर देते हैं। सिमिलर वे में ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है ये जो मेथड होते हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेशनल मेथड्स। कि सिंपल हम जो है कि उसके टेस्ट के बेसिस पे या फिर वो लिटमस का कलर चेंज करें उसके बेसिस पे करेक्टराइज कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, ये डेवलप होती है, तो इसके साथ जो है हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एसिड्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग वे में जो है करेक्टराइज़ किए हैं। अब यहाँ पे जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हम एसिड्स को किस तरीके से करेक्टराइज़ करते हैं एंड बेसिस को। ओके, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे कंसेप्ट आता है वो है अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अरहेनियस एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरहेनियस की कोडिंग क्या है कि एसिड्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव एच पॉजिटिव आयन। एसिड्स जो होंगे डिसोसिएट इन वाटर टू गिव एच पॉजिटिव आयन, उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एसिड्स। वाइल जो बेसिस होंगे डिसोसिएट इन वाटर टू गिव ओ एच नेगेटिव आयन, ये हो जाएंगे हमारे पास बेसिस। तो इसने जो है इस तरीके से करेक्टराइज करा था, एसिड्स एच पॉजिटिव आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में, और बेसिस जो है वो ओ एच नेगेटिव आयन देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एच सी एल है, जब हम इसको वाटर में लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव। अभी एच पॉजिटिव आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज ये मीन्स ये क्या हुआ, एसिड हुआ। सिमिलर वे में सी एस थ्री सी ओ ओ एच वाटर में ही लेंगे, सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरीके से NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, दैट मीन्स ये क्या हुआ, बेस हुआ। ऐसे ही NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसका मतलब अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन देंगे वाटर में, बेसिस जो है वो ओ एच नेगेटिव आयन देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ की, कि जो एसिड है मैं कैसे करेक्टराइज़ करूँगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो डिपेंड करेगा उसकी आयनाइजेशन के ऊपर, मीन्स डिसोसिएशन के ऊपर। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे हमारे पास वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएं एक्वस सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी आएंगे एच स्ट्रॉन्ग एसिड में, बिकॉज दीज आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। वाइल जो वीक होंगे वो क्या होंगे, वीकली आयनाइज होंगे। वीक एसिड्स हम किन को बोलेंगे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो। ये देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए ये सिंगल एरो दिखाया, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव है। बट जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको रिवर्सिबल एरो से शो किया है। तो जो वीक एसिड्स होंगे वो होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर में, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, हाइड्रोजन साइनाइड, इनको हम बोलेंगे वीक एसिड्स। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में टू गिव OH नेगेटिव आयन, फॉर एग्जाम्पल NaOH है, KOH है, ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और अगर मैं बात करूँ वीक बेसिस की, दैट मीन्स जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसके बेसिस पे जो है हम इस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं कि एसिड जो है एच पॉजिटिव आयन देंगे वाटर में, बेसिस ओ एच नेगेटिव आयन देंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स अगर कोई दे रहा है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो क्या है, वीक एसिड है। बट अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की, जो है इस कंसेप्ट की लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन यही है कि अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड वो होंगे सब्सटेंसेस जो एच पॉजिटिव आयन देंगे, दैट मीन्स एसिड के अंदर जरूरी है कि हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। सिमिलर वे में बेसिस वो हैं जिसके जो OH नेगेटिव आयन देंगे, दैट मीन्स बेस में क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, इनके अंदर क्या है, OH नेगेटिव नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, बेसिस है।
तो यहाँ पे आके ये कंसेप्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। सिमिलर वे में CO2, SO2, ये सभी क्या है, एसिडिक गैसेज हैं, बट इनके अंदर क्या है, कोई भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी जो लिमिटेशन है अर्हेनियस कंसेप्ट की, ये कि ये कहता है कि एसिड के अंदर मस्ट कंटेन हाइड्रोजन वाइल बेस कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बेसिक है लेकिन उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। सिमिलर वे में सब्सटेंसेस जो एसिड्स हैं बट उनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, एक तो ये इसकी मेन जो है लिमिटेशन होगी। और सेकेंड बात करती हूँ, जो अर्हेनियस का कंसेप्ट है एसिड एंड बेस का, ये एप्लीकेबल है सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में, एप्लीकेबल ओनली इन एक्वा सोल्यूशन। मीन्स जो एसिड्स हैं या फिर बेसिस हैं वो वाटर में ही तो डिजोल्व होकर आयनाइज हो रहे हैं, अगर हम नॉन एक्वस मीडियम की बात करें तो वहाँ पे जो ये कंसेप्ट है ये फॉलो नहीं होगा। एसिड बेस बिहेवियर नॉन एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन करने में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं नॉन एक्वस मीडियम मतलब कि अदर देन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन तो हो गया वाटर, नॉन एक्वस का मतलब लाइक जैसे हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लेके चलते हैं या फिर अल्कोहल है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम। तो नॉन एक्वस मीडियम में जो अर्हेनियस कंसेप्ट है ये फेल हो जाता है। ओके, ये इसकी लिमिटेशन है। अब इसके बाद जो सेकेंड कंसेप्ट आता है वो है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को फर्दर, अर्हेनियस के कंसेप्ट को फर्दर एक्सटेंड किया ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एसिड होंगे, एसिड हम किसको बोलेंगे, विच डोनेट एच पॉजिटिव आयन, वाइल बेसिस विच एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन। एसिड्स होंगे जो एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहे हैं और बेसिस होंगे जो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि जो एसिड है हमारे पास वो क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, वाइल बेसिस जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस तरीके से बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl है प्लस वाटर, इट चेंजेस इंटू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये देखो HCl चेंज हो गया Cl नेगेटिव में, इसने क्या किया, H पॉजिटिव डोनेट करा, तो दैट मीन्स ये क्या है, एसिड। वाइल वाटर ये चेंज हुआ H3O पॉजिटिव में, इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हुआ, बेस। इन एसिड बेस रिएक्शंस को जो है हम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो है प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट वाई दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब कि जिनकी दोनों टेंडेंसी है, वो टाइम आने पे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और टाइम आने पे डोनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की ही बात करूँ, ये रिएक्शन लिखी मैंने, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है वाटर, एज अ बेस, बिकॉज ये क्या कर रहा है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलर वे में एक और रिएक्शन लिखती हूँ, H2O प्लस NH3, इट चेंजेस इंटू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो H2O किस में चेंज हो गया, OH नेगेटिव में, मतलब कि इसने क्या किया, प्रोटॉन को यहाँ पे डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, H2O OH में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करें, इन सब्सटेंसेस को हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ओके, अब जैसे हमने यही रिएक्शन लिखी HCl प्लस NH3 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे HCl ने जो है अपना प्रोटॉन दिया, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और NH3 ने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो जो HCl है इसने प्रोटॉन लॉस किया, किस में चेंज हो गया, Cl नेगेटिव में, वाइल ये जो बेस है ये किस में चेंज हुआ, NH4 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो है HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और Cl नेगेटिव बना रहा है। और अब ये Cl नेगेटिव जो बना, इसकी क्या टेंडेंसी है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। मींस ये कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, एज अ बेस, वाइल NH3 इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव। और अब इसकी क्या टेंडेंसी है कि अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दे फर्दर, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो मतलब कि जो बेस हमारे पास एसिड से बन रहा है, बेस फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, वाइल एसिड फॉर्म फ्रॉम अ बेस, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कि आपके पास कोई एसिड है, जैसे HCl था, ये किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट बेस, और साथ में इसने क्या दिया, H पॉजिटिव। देखो कैसे लिखा मैंने, HCl कॉन्जुगेट बेस, इसका Cl नेगेटिव और इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया।
सिमिलर वे में बेस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और ये किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट एसिड के, देखो एन एच थ्री प्लस एच पॉजिटिव, ये किस में चेंज हो गया, एन एच फोर पॉजिटिव में, और ये क्या है, एन एच फोर पॉजिटिव, इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड है। तो जो बेस एसिड से बना है उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, और जो एसिड बेस से बना है उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर आगे मैं बात करूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास स्ट्रोंग एसिड होते हैं, स्ट्रोंग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा, वाइल वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रोंग एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये स्ट्रोंग एसिड है, वाइल इसका ये जो बेस बना ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस है। सिमिलर वे में कोई वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड ही लूँ मैं, CH3COH प्लस H2O, इट चेंजेस इनटू H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। अब एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, इसका ये जो बेस बना ये क्या है, स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस। तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है, अगर स्ट्रोंग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब स्ट्रोंग बेस जो होगा उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, वाइल वीक बेस जो होगा इसका स्ट्रोंग कॉन्जुगेट एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, इस रिएक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया, बस CH3COOH प्लस H2O, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है ना, और ये क्या है, स्ट्रोंग बेस। तो स्ट्रोंग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कैसा होगा, वीक होगा, और वीक बेस का, इसको भी ऐसे उल्टा करके लिख लो, वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कैसा होगा, स्ट्रोंग होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, पहला कंसेप्ट हमने देखा था आर्हेनियस, अब ब्रोनसिल लोरी कंसेप्ट की अगर एडवांटेज की बात करूँ, इसकी जो है मेन एडवांटेज वो ये है कि जैसे हमारे पास सब्सटेंसेस है NH3, ये जो है इनके भी जो बेसिक करेक्टर है उसको एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल था आर्हेनियस कंसेप्ट वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ये जो है एक्सप्लेन कर देगा। सिमिलर वे में यहाँ पे हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, ये जो कंसेप्ट है आयनिक स्पीशीज के ऊपर भी जो है एप्लीकेबल होगा। एंड थर्ड, नॉन एक्वस मीडियम में भी जो है एसिड बेस रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, उसकी यही मेन तीन डिसएडवांटेज थी कि वो एक तो कि NH3 है, CO2, इनकी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि एक्वस मीडियम में ही सिर्फ एप्लीकेबल है, बाकी ये जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल होगा। अब इसकी एडवांटेज के साथ साथ एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन ये, जैसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं फॉर एग्जांपल BF3 है, AlCl3 है, ये बिहेव करते हैं एसिड की तरह, बट इनकी टेंडेंसी नहीं है प्रोटोन को डोनेट करने की क्योंकि इनके पास प्रोटोन अवेलेबल ही नहीं है। अब है तो ये भी एसिड्स ना, इसने क्या कहा ब्रोनसिल लोरी ने कि एसिड जो होंगे दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है तो ये कैसे एसिड्स हुए, बट ये स्टिल जो है एसिड होते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक CO2 है, SO2 है, SO3 है, और बेसिक ऑक्साइड्स की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ये चेंज हो जाता है कैल्शियम सल्फेट में, कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स की जो रिएक्शंस होती हैं। क्लियर, अब इसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट आता है हमारे पास वो है लुईस कंसेप्ट। अब लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड जो होगा, एसिड हम किसको बोलेंगे, विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड आर द सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे एसिड्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो होंगे बेस। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, और यहाँ पे देखो एसिड जो होगा वो एक्सेप्ट कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो बनेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन, एक वहाँ पे डोनर है और एक है एक्सेप्टर, तो रिएक्शंस को बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस। ओके, जैसे ये है BF3, साथ में ये है आपके पास NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लेकिन BF3 क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो कैसे बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 5
2s2 2p1, एक एक तीनों फ्लोरीन से मिलेगा, टोटल कितनी होगी 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 8, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो जो रिएक्शन होगी इनके बीच में वो कैसे होगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी इस तरीके से। ओके, अब जो हमारे पास ये जो कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है स्पीशीज जो है, सबसे पहली बात, जो हमारे पास ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब कि जिनमें जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो बिहेव करेंगे एज अ लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लुईस एसिड कौन कौन से होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का। फॉर एग्जांपल BF3 है, AlCl3 है, FeCl3 है, ये सभी क्या हैं, लुईस एसिड्स हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद जो है इनके ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, जो केटाइंस होते हैं, केटाइंस भी जो है बिहेव करेंगे एज अ लुईस एसिड। केटाइंस में भी स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो स्मॉलर केटाइंस होते हैं ना, उनकी ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू लार्जर केटाइन। एंड सेकेंड थिंग इसी में आती है कि जो केटाइन है हाईली चार्ज केटाइन है, जिस केटाइन के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल एक है आपके पास Fe3 पॉजिटिव और एक है Fe2 पॉजिटिव, इस केटाइन का साइज दोनों का देखो सेम एटम यूज़ हो रहा है, लेकिन चार्ज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रोंगर लुईस एसिड। और ये क्या होगा, इसके कंपेरिजन में वीक होगा। सिमिलर वे में SN4 पॉजिटिव एंड SN2 पॉजिटिव, इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रोंगर लुईस एसिड इन कंपेरिजन टू SN2 पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करूँ इसमें, ऐसे स्पीशीज जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व अवेलेबल है, चाहे उनका ऑक्टेट कंप्लीट भी है, फिर भी वो क्या करेंगे, अपने वैलेंस शेल को एक्सटेंड कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल SnCl4 है, टिन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इसको क्लोरीन से मिले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल इसके पास बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अपने उसको एक्सपेंड कर लेगा SnCl6 2 नेगेटिव, तो ये भी कैसे बिहेव करेगा SnCl4 एज अ लुईस एसिड। ऐसे ही हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है और जो साइड में एटम्स लगे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल CO2 है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन के साइड पे ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये भी कैसे बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। कोई भी लुईस एसिड है, फॉर एग्जांपल आपके पास OH नेगेटिव ही है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड OH इस तरीके से। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो है सेंट्रल एटम जो है, जो बाकी एटम से उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो स्पीशीज होगा वो बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। ठीक है, ये तो थे हमारे पास सभी लुईस एसिड्स। सिमिलर वे में बात करूँ अगर लुईस बेसिस की, तो सबसे पहली बात, ऐसे स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल NH3 है, अल्कोहल है, इसके पास भी है, ऐसे ही ईथर्स हैं, तो ऐसे स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दे बिहेव एज अ लुईस बेस। सेकंड, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल साइनाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज है अवेलेबल, वो क्या करेंगे, बिहेव करेंगे एज अ लुईस बेस। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल एल्कीन, एल्काइन, ये भी एज अ लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं मेटल के साथ, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल अवेलेबल हो उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएंगे लुईस बेसिस। तो बस आपको ये ध्यान रखना है लुईस एसिड्स कौन से हैं, अगर हम बात करें कि जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, और लुईस बेस कौन से हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। अब डोनेट कौन करेगा, जिसके पास खुद से होंगे, चाहे लोन पेयर है, चाहे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, चाहे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो सारे हो जाएंगे लुईस बेस। और एसिड्स कौन से होंगे, जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके टाइम के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। सिमिलर वे में उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या फिर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो सभी स्पीशीज जो है वो बिहेव करेंगे एज अ लुईस एसिड।
ओके अब आगे इस कंसेप्ट की बात करूँ लिमिटेशंस की. देखो लिमिटेशंस सभी की है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस. अब जो लुईस कंसेप्ट है इसके अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पास एसिड और बेस जो कंबाइन हो रहे हैं दोनों, मैंने जो अभी पीछे रिएक्शन लिखी थी, बॉन्ड कैसी बन रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा. तो यहाँ पे जो है हम इन दोनों की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड एंड बेस की उसको कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन की बात करूँ, जैसे आपके पास है HCl है, H2SO4 है, ये प्रोटोनिक एसिड्स हैं बट ये कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते बेसिस के साथ, तो दैट मीन्स इनके बारे में भी कुछ ऐसे हम बता नहीं सकते. ऐसे ही जो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती हैं, लेकिन जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है वो क्या है, एक स्लोअर प्रोसेस है. मतलब कि जो नॉर्मल हमारे पास एसिड बेस का कंसेप्ट है उसमें ये फिट नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल कंसेप्ट में तो आता है कि जो एसिड एंड बेस है हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एकदम से रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, एसिड एंड बेस कंबाइन हो गए सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके अब इसके बाद जो फोर्थ कंसेप्ट आता है लक्स फ्लड कंसेप्ट. लक्स और फ्लड दो अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है. ये कंसेप्ट लूस जो लक्स ने दिया था इसको फर्दर एक्सपेंड करा था फ्लड ने, तो इसका कंसेप्ट का कंबाइन नेम आ जाता है लक्स एंड फ्लड कंसेप्ट. ओके इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एसिड्स हैं ऐसे सब्सटेंसेस होंगे विच एक्सेप्ट ऑक्साइड वाइल बेसिस क्या होंगे विच डोनेट ऑक्साइड. एसिड एक्सेप्ट करेंगे ऑक्साइड को, बेसिस क्या करेंगे डोनेट करेंगे. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये डोनेट कर रहे हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ बेस, वाइल SO2 या SO3 लेके चलो SO3 प्लस O2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसने ऑक्साइड को एक्सेप्ट करा तो ये कैसे बिहेव करेगा एसिड की तरह. मतलब कि जो स्पीशीज जो सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑक्साइड को दे बिहेव एज अ एसिड, वाइल जो डोनेट कर रहे हैं वो बिहेव करेंगे एज अ बेस. ओके अब इसमें भी जैसे हमने बात की थी पीछे एम्फोटेरिक की, यहाँ पे भी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जिनकी दोनों टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की भी ऑक्साइड को, लूज करने की भी. फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड जो है हमारे पास ये बिहेव करेगा एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस ZnO 2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये कैसे बिहेव कर रहा है एज अ बेस बिकॉज ये डोनेट कर रहा है. सिमिलर वे में ZnO प्लस O2 नेगेटिव, जिंक के टाइन बनते हैं ZnO2 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस वाइल इधर ये बिहेव कर रहा है एज अ एसिड. तो ये सब्सटेंसेस जो दोनों तरीके से ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं एज वेल एज उसको डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके इसकी ऐसा जैसे कोई लिमिटेशन नहीं है. अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट. सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो क्या है, ये सब में अभी तक के तो जनरली पढ़ रहे थे उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट. इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एसिड्स होंगे वो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनकी अगर हम डायरेक्ट डिसोसिएशन करते हैं, चाहे डिसोसिएशन करें या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करें, अगर वो हमारे पास केटायन करेक्टरिस्टिक्स देंगे तो उसे हम बोल देंगे एसिड्स, और जो हमारे पास एनायनिक करेक्टरिस्टिक्स देंगे वो होंगे बेस. एक बार लिखती हूँ फिर बताती हूँ क्या है. एसिड्स क्या होते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस which either by direct dissociation or by reaction with solvent give cation characteristics ऑफ सॉल्वेंट, उनको बोलेंगे हम एसिड्स. सेम यही डेफिनेशन होगी बेस के लिए, बेस इज अ सब्सटेंस विच आइदर बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन और बाय रिएक्शन विद सॉल्वेंट्स गिव एनायन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, उनको हम बोल देंगे बेसिस. अब देखो ये कैसे है, सॉल्वेंट की बात करें, जैसे हम सॉल्वेंट वाटर लेके चलते हैं, इनवर्सल सॉल्वेंट है सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये किस में आयनाइज होता है एच पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसको हम बोल देंगे केटायन करेक्टरिस्टिक्स और इसको बोलेंगे एनायन करेक्टरिस्टिक्स. अब देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखते हैं
HCl plus H2O, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये क्या दे रहे हैं हमारे पास, ये सब्सटेंस केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं वाटर की। ये देखो H पॉजिटिव, केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स ही H पॉजिटिव कहूँ या H3O पॉजिटिव कहूँ एक ही बात है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड, वाइल जैसे बेस NH3 प्लस H2O, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या हुआ, बेस। ओके, तो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस सॉल्वेंट के कैटायन कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे वो एसिड्स, और जो एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे वो हमारे पास हो जाएंगे बेस। ओके, सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी हो सकता है। सपोज करो मैं इसके अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज़ करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड ले अगर हम, लिक्विड N2O4, ये भी एक सॉल्वेंट है। ऐसे लिक्विड अमोनिया भी होता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी, तो कोई भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। इसको देखिए हम, NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये है केटायन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो NOCl लिक्विड N2O4 में अगर इसकी रिएक्शन करें, NO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, केटायन कैरेक्टर दे रहे हैं सॉल्वेंट के, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, एसिड। सिमिलर वे में NaNO3, सेम लिक्विड N2O4 में लें तो Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये क्या दे रहा है, एनायन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, बेस। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 कॉन्सेप्ट है टोटल जो हम स्टडी करने थे, वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि एसिड और स्ट्रेंथ बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कहूँ किस तरीके से मेजर करते हैं। ओके, अब जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी जो प्रोटॉन्स देने की टेंडेंसी है, जैसे HCl है कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वाइल एसिटिक एसिड है वो वीकली आयनाइज हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं वीक एसिड। ओके, अब जो वीकनेस है वीक एसिड्स की उसको हम कंपेयर करें किस तरीके से वो करते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास HA, ये कोई एसिड है, इस तरीके से आयनाइज हो गया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA कैसे लिखेंगे, सेक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ राइट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यही करते हैं ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास हमने लिखी है अभी H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और A नेगेटिव के है कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड, मतलब ये पूरा तुम्हारे पास एसिड है, जितने इसने H पॉजिटिव दे दिया बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या, वो तो अनडिसोसिएटेड ही है ना, कि जो एसिड हमारे पास अनडिसोसिएट है वो डिसोसिएट नहीं हुआ। और जो KA है इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कॉन्सेंट या फिर आयनाइजेशन कॉन्सेंट। A मैंने यूज़ करा है इसीलिए क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं, जब हम बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे KB। तो अगर हमें यहाँ पे बताना हो स्ट्रोंगर एसिड के बारे में, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास KA की वैल्यू लार्ज होगी, देखो KA जितना ज़्यादा है एसिड जो है उतना ही स्ट्रोंग होगा, मतलब कि स्ट्रोंगर द एसिड लार्जर विल बी इट्स KA। डिसोसिएशन कॉन्सेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके पास, जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव मिल रहा है मतलब कि वो क्या हो रहा, ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, और H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा, दैट मीन्स KA हमारे पास लार्ज आएगी वैल्यू। तो जो कितनी ज़्यादा KA की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास एसिड होगा। अब इसको जो हम एक और टर्म है उससे भी डिनोट कर सकते हैं, PKA। PKA इक्वल होती है माइनस लॉग ऑफ KA, और इसको माइनस को मैं ऐसे लिख दूँ 1/log KA। अब लार्जर PKA वैल्यू का मतलब क्या है, कि ये वैल्यू कम, ये वैल्यू लार्ज है तो KA वैल्यू कम होगी, और KA वैल्यू कम का मतलब क्या है, आपके पास क्या होगा, वीक एसिड होगा। मतलब कि अगर आपके पास लार्जर वैल्यू है PKA की तो एसिड जो होगा वो कैसा होगा, वीकर होगा।
ओके इस तरीके से जो हम इसको डिनोट करते हैं एसिड की स्ट्रेंथ को दो टर्म्स में करते हैं, एक तो के ए वैल्यू के टर्म में और दूसरा हो गया पी के ए वैल्यू के टर्म में। के ए वैल्यू जितनी लार्ज है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और पी के वैल्यू कितनी लार्ज है उतना ही वीक एसिड होगा। सिमिलर वे में ये तो अभी हमने बात करी एसिड्स की, देखो जो ये वाला एसिड है जो मैंने लेके चली है एक एच पॉजिटिव दे रहा है, ऐसे यहाँ पास एसिड जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन दे दे उनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4 है आपके पास, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव और ये HSO4 नेगेटिव दोबारा से H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव ये आ जाएगा। अब हम इसके लिए फिजिकली हम कौन से लिखे, पहली रिएक्शन के लिए लिखे Ka1 दे देती हूँ उसका नाम H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2SO4। सिमिलर वे में Ka2 सेकेंड रिएक्शन के लिए H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HSO4 नेगेटिव ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करें जो Ka1 है इसकी वैल्यू जो है काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू Ka2। Ka1 वैल्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या हो रहा है कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है एच पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में, लेकिन जो ये HSO4 नेगेटिव है फर्दर ये लेसर एक्सटेंट में एच पॉजिटिव आयन देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो H2SO4 है क्योंकि उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या हो रहा है ज़्यादा जो है हमारे पास कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। ओके अब ऐसे ही जैसे हमने एसिड की वैल्यू के लिए करा ऐसे ही बेसिस के लिए सपोज करो ये आपके पास कोई बेस है आयनाइज होगा एम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Kb बिकॉज बेस के लिए है एम पॉजिटिव OH नेगेटिव MOH। अब जो Kb है Kb को क्या बोलेंगे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिमिलर वे में जैसे हमने वहाँ पे कहा था जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रोंगर बेस होगा, हाइयर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रोंगर इज द बेस। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यूज ज़्यादा होगी उतना ही बेस जो है आपके पास स्ट्रोंगर होगा। ऐसे ही Pka की जैसे कि Pkb टर्म आती है माइनस लॉग ऑफ Kb इक्वल्स टू 1 ऑफ लॉग ऑफ Kb, मतलब कि Pkb वैल्यू जितनी लार्ज होगी Kb वैल्यू उतनी ही कम होगी और बेस जो होगा वो वीक बेस होगा। तो Pk वैल्यू के साथ Pka या फिर Pkb है उसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा और Kb और Ka वैल्यू के साथ जो है आपके पास इसका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ओके ये था हमारे पास रिलेशन कि हम जो है पहले तो एसिड एंड बेस किस तरीके से करते हैं और फिर उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको बस ये जो है एक एसिड के लिए और बेस के लिए ये जो दो फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। क्लियर, इससे आगे का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।